आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने गूगल मैप के अंदर अपने घर, दुकान, शॉपिंग मॉल को कैसे डाल सकते हैं और उसे ऑनलाइन देख भी सकते हैं। तो ये सब कैसे हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आप समझ सकते हैं कि कैसे हो सकता है। हे नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मोरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेस्ट पे। बात करते हैं गूगल मैप के अंदर अपने घर को हम कैसे डाल सकते हैं और उसे लाइव कैसे देख सकते हैं। सब कुछ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इस पूरे वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ सकते हैं कहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों अपना गूगल मैप जो है उसे अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जब अपना गूगल मैप आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी लोकेशन यहाँ पे सो रही है। यहाँ देख सकते हैं मैं अपनी आपको लोकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं यह मेरी है लोकेशन, ठीक है। अब चलिए आपको करना क्या होता है, यदि आपको इस लोकेशन के अंदर मान लीजिए हम यहाँ पे अपने घर का एड्रेस डालना चाहते हैं, इसे जब भी हम गूगल पर खोजेंगे तो यहीं पे मेरा दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं तीन डॉट बनाए, तीन डॉट पर क्लिक करते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं अभी तक कोई भी नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। यहाँ देख सकते हैं सब नाम लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे भी मेरी लोकेशन यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है। इस लोकेशन का एक पर्टिकुलर मैं नाम देने वाला हूँ, इसके लिए यहाँ पे आपको तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा। तीन डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा ऐड ए मिसिंग प्लेस। यहाँ देख सकते हैं ऐड ए मिसिंग प्लेस के ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल गया जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर जो चीज मैं करने वाला उसको ध्यान से देखिएगा कहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं पहला है प्लेस नेम। तो प्लेस नेम के अंदर अपने घर का नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखना होगा, जैसे मान लीजिए जहाँ आपका घर है उसके आसपास कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, स्कूल हो, कोई पूल हो, कोई टावर है, इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि गूगल को पता होना चाहिए कहाँ क्या है। यदि सभी लोग गांव का या फिर अपने घर का नाम डाल लेंगे तो उस गूगल के अंदर इतनी जगह नहीं है कि उसको वो फिल कर सके, इसीलिए एक यूनिक नेम मानता है। जहाँ मैं रहता हूँ इसके बगल में ही एक हनुमान जी के मंदिर है, तो यहाँ पर कहाँ डालना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ देख सकते हैं बड़े दोस्तों इस तरह मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब आपको करना होगा मार्क लोकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा, और यहाँ देख सकते हैं ये मेरा लोकेशन आ गया। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं ओम नगर से आ गया, अब इसको हम कर देते हैं डन। उससे अब यहाँ जब डन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एड्रेस ही ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ देख सकते हैं ये दिखा रहा है ओम नगर राजापुर इलाहाबाद। यहाँ देख सकते हैं ये मेरी लोकेशन एग्जैक्ट ऑटोमेटिक ये लोकेशन यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद यदि आपका ये एड्रेस नहीं आ रहा है तो कुछ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैटेगरी। कैटेगरी यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा कैटेगरी आपको देखने को मिल सकता है कि आप किस लिए डालना चाहते हैं, होम, रेस्टोरेंट, स्कूल, कैफे, शॉपिंग, बार, क्या है इसके हिसाब से डाल। मान लीजिए यदि आपका होम है तो होम पे क्लिक करेंगे, यदि मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट या शॉप है जिससे यहाँ देख सकते हैं क्लॉथिंग शॉप, इसको यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया है एड फोटो हावर वेबसाइट, इसलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं यदि आपका कोई शॉप है तो वहाँ पे अपना शॉप का नंबर डाल सकते हैं, यदि कोई उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेलेक्ट डेट हावर, यहाँ पता है कि कब बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, ये सब कुछ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक दो फोटो भी अपनी आप लगा सकते हैं, यदि गूगल पे यदि आपका कोई दुकान खोजता है तो उसकी फोटो दिखाई देगी, आपका वेबसाइट दिखाई देगा, आपका फोन नंबर दिखाई देगा और बहुत आसानी से आपकी दुकान तक वो पहुँच सकता है। इसी तरह यदि आप घर का भी यदि आप देना चाहते हैं तो अपने घर का भी दे सकते हैं बहुत आसानी से। तो फिलहाल यहाँ पर मैं शॉप नहीं, यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ होम। चलिए यहाँ पे हम इसको बैक करते हैं और होम करते हैं। होम करने वाले यहाँ देख सकते हैं होम का ऑप्शन आ गया है। अब आपको करना होगा यहाँ देख सकते हैं ऊपर ओके का ऑप्शन बना है, इस ओके का ऑप्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने वाले ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये मेरा पूरा लोकेशन दिखाएगा कि हम कहाँ पे हुआ है। दोस्तों ये तुरंत यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होता है, गूगल अब इसे जानेगा, पहचानेगा, कुछ समय बाद ही इसे एक्टिवेट करेगा, मतलब अपने वेरिफिकेशन करने के बाद ही इसे करेगा। चलिए उसके लिए यहाँ देख सकते हैं तीन डॉट पर यदि आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा थर्ड ऑप्शन योर कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे
थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपके सामने एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके अंदर यहाँ पे देखिए नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यदि थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा भी है अभी देख सकते हैं ये पब्लिकली अभी नहीं हुआ है। एक दो स्टोर मैंने जो यहाँ पे इंस्टॉल किया था वहाँ पे पहले हो चुका है, लेकिन अभी मेरा जो हुआ है अभी वो अंडर प्रोसेस में है। वो जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे इसके नीचे देख सकते हैं ऑटोमेटिक वो शो होने लगा। मैंने एक दो दुकान है या फिर एक दो प्लेसेज मैंने यहाँ पे ऐड किया था जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख सकते हैं चार दिन पहले मैंने किया था क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई किया था कि किस तरह से यहाँ पे हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू देख सकते हैं अपने जो आप उसको किए हैं, उसके बाद यहाँ पे फोटो डाले हैं या फिर एडिट पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। यदि जब वो ऑटोमेटिक जब वो गूगल उसको वेरीफाई कर लेगा तो वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने घर दुकान माल शॉपिंग मॉल किसी भी चीज़ को गूगल के अंदर डाल सकते हैं और उसे आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे यदि तीन डॉट पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यदि थोड़ा सा यदि आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा गूगल अर्थ, इसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा, यदि आप इसमें डाउनलोड नहीं है तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ। चलिए इसे यहाँ से हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मेरा गूगल अर्थ बहुत ही आसानी से यहाँ से ओपन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2D और 3D यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। यदि इसको आप छोटा करेंगे यहाँ देख सकते हैं पूरी पृथ्वी यहाँ पे नाचती हुई दिखाई देगी। यहाँ देख सकते हैं ये पूरी पृथ्वी यहाँ पे नाच रही है। तो अब मान लीजिए आपको अपना जगह खोलना है कि कहाँ पे है, जो मैंने अभी आपको अपडेट डाला है अभी तो वो वेरीफाई नहीं होगा, लेकिन एक दो दिन चार घंटा पाँच घंटा में जैसे ही वो वेरीफाई होगा यहाँ देख सकते हैं सर्च ऑप्शन में हम उसको खोजेंगे तो वो दिखाई दे देगा। चलिए हम एक बार उसको खोज के दिखा देते हैं कि वो हमारा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिलहाल ये शो नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मौर्य निवास। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इसको हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नो रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन इसी जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये दिखाने लगेगा। मान लीजिए हम जहाँ रहते हैं मैंने एक यहाँ पे डाला हुआ था, ठीक है दोस्तों, जो कि मेरा वेरीफाई हो गया ओम नगर राजापुर। ठीक दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ओम नगर राजापुर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसानी से वो मेरा जगह यहाँ दिखा जो कि मैंने अभी आपको दिखा था 6 दिन पहले मैंने किया था। यहाँ देख सकते हैं ओम नगर राजापुर यहाँ पे दिखाने लगा और इसे आप चाहे तो बड़ा कर करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे आपका इंटरनेट ये अच्छा चलता होगा तो ये साफ हो एकदम दिखाई देगा कि आपको ओम नगर कहाँ है। यदि आप इसको 2D में देखना चाहते हैं तो 2D में देख सकते हैं, यदि 3D में देखना चाहते हैं तो इसको आप 3D में देख सकते हैं। ये आपके ऊपर इसको आप कैसे देखना चाहते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने घर शॉपिंग मॉल को किसी को दिखा सकते हैं या फिर उसका फोटो आप गूगल मैप के अंदर डाल सकते हैं। यदि इसको कोई इस चीज़ को यदि कोई गूगल के अंदर भी सर्च करेगा तभी आपका जो भी शॉपिंग मॉल या दुकान घर रहेगा वो आपको दिखाई देगा गूगल मैप के अंदर जब वो वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से बहुत आसानी से अपने घर मकान दुकान को आप गूगल के अंदर डाल सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।